हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। आज आप सभी के सामने हम एक नई वीडियो लेकर आए जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की हमारी वीडियो है, ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास हिस्ट्री का विषय है। आज हम इस एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर साल आपका क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो गर्ल्स का पेपर हो या बॉयज़ का हो, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपने ये टॉपिक समझ लिया तो आपको 20 में से कम 16 या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 18 नंबर तो आपको पूरे मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस वीडियो लिंक के जरिए पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भाई बहन जो दोस्त यार हैं हमारे उन सभी को भेजें ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध क्या था, इसे किस किस नामों से जाना जाता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्वयुद्ध ऐसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले जैसे इसे बोलते हैं ग्रेट वॉर भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, और तो और इसको ऐसा भी कहा जाता था कि भैया ये इतना बड़ा युद्ध है, इतना भयानक युद्ध होगा कि आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध हुआ और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद फिर दूसरा विश्वयुद्ध भी हुआ, तो जो वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया था नाम, तो ये नाम इसके लिए पूरा ठीक नहीं होता। बात करते हैं प्रथम विश्वयुद्ध की फिर से, तो प्रथम विश्वयुद्ध जो है कि इसे ग्रेट वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी इतना बड़ा युद्ध हमें देखने को नहीं मिला। जो ये युद्ध था, ये युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। इस युद्ध के अंदर लगभग कहा जाता है कि 1,70,00,000 लोग मारे गए, इनमें से 60,00,000 आम जनता, आम नागरिक मारी गई और 1,10,00,000 जो थे वो सैनिकों की क्षति हुई थी, सैनिकों की मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं कि जो ये युद्ध था ये किन किन पक्षों के बीच में हुआ, तो ये जो देखो कोई भी युद्ध होता है वो दो पक्षों में के बीच होता है। प्रथम विश्वयुद्ध हमने अभी तक ये जाना कि भाई उसको कितने नामों से जाना जाता है, ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, इसे ये भी कहा गया था कि भाई इस युद्ध के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी और शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखते हैं हम आगे चल के दूसरा विश्वयुद्ध भी होता है ये। फिर हमने ये जाना कि 14 जुलाई 1914 को युद्ध शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को जो ये युद्ध है ये ख़त्म हुआ। ये जो युद्ध है ये क्या है कि दो शक्तियों के बीच में हुआ, एक सबसे पहला आपका आइडल शक्ति जिसे हम मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, इसके अंदर आपका फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली, ये देश शामिल थे। दूसरे आपके केंद्रीय राष्ट्र जिसे आप क्या है, सेंट्रल शक्ति भी कहते हैं, इसमें आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, इस तरीके से ये देश इसके अंदर शामिल थे। ये जो प्रथम विश्वयुद्ध था लगभग 4 वर्षों तक चला और ये इतने बड़े पैमाने पे युद्ध चला, तो ये युद्ध जो है कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। लगभग 37 देश इसमें शामिल थे और कोई एक कारण से तो इतने बड़े पैमाने तक ये युद्ध चल नहीं सकता, तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से कारण हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। अब एक एक करके हम इसके इतने पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको आंसर लिखने में 8 पेज का आपका आंसर तो आराम से चले जाए, साथ ही साथ आपको अगर कुछ एक आधा पॉइंट्स भूलते हुए तो आपके आंसर पर कोई भी असर ना पड़े, एक पॉइंट का दो पॉइंट भी भूल जाओगे तब भी असर ना पड़े। सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि जो प्रथम विश्वयुद्ध था उसको होने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाता है उग्र राष्ट्रवाद। अब ये भला उग्र राष्ट्रवाद क्या था, देखो राष्ट्रवाद तो वैसे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप अपने देश के लिए समर्थन करते हैं अपने आप को कि भैया तन से मन से जैसे भी मेरे देश के लिए मेरी मदद हो सकती है उस मदद को मैं कर सकूँ। देखिए राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होती है वो फ्रांस में जगती है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई थी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भावना को जागृत किया गया था। इससे क्या हुआ था, पूरी की पूरी फ्रांस में एकता हुई थी, जो वहाँ पर लुई 16 नाम का राजा राज करता था उसके विरोध में ये किया गया था।
इसी प्रकार से क्या होता है, उग्र राष्ट्रवाद ना केवल तक सिर्फ फ्रांस तक सीमित होता है, ये आगे चल के और देशों में भी फैलता है। इसी प्रकार जो देश किसी न किसी देशों के गुलाम थे, उन देशों ने क्या किया कि भैया अब गुलामी की जो प्रथा थी उससे वो बचना चाहते थे, भागना चाहते, तो उन देशों ने क्या किया, आज़ादी के सपने देखने लगे। और ऐसे देश जो कि अमीर देश थे, ताकतवर देश थे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो शिकंजा है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो इस प्रकार से जो यूरोप था उसमें कुछ कुल मिला के अशांति सी फैलने लगी। किस लिए? राष्ट्रवाद के कारण। बड़े राष्ट्र जो थे वो ये चाहने लगे थे कि भैया जो मेरा जो प्रभाव है वो दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ने लगे, या इसको मैं और सत्ताई से और अच्छे से शासन कर सकूँ। वहीं छोटे देश जो थे वो यही चाहते थे कि भैया हम किसी भी तरीके से बड़े देशों से हम आज़ाद हो जाए। तो ये पॉइंट्स बनता है उग्र राष्ट्रवाद। इससे क्या हुआ कि देशों के बीच में आपसी संबंध जो है वो खराब हुए। अब आपसी संबंध खराब होने के कारण क्या होता है, युद्ध हो जाता है। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। जरा दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद की भावना। अब आर्थिक साम्राज्यवाद, देखो आर्थिक साम्राज्यवाद लिखा हुआ आ जाए या उपनिवेश, आप कुछ भी इन दोनों में से लिख सकते हैं। तो उपनिवेशवाद की भावना, इसमें क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण कारण जो था उसमें से एक ये कारण भी बनता है, क्योंकि देखो जो आर्थिक कारण, क्योंकि ब्रिटेन जो था सबसे पहले वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के और देशों में भी। ये जो औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उद्योगों में बड़ी तेजी से विकास हुआ। अब उद्योगों में बड़ी तेजी से विकास हुआ तो इनको चाहिए था कच्चा माल। अब ये कच्चा माल कहाँ से आएगा, तो भैया एशिया और जो अफ्रीका है इन देशों में क्या था, कच्चा माल व्यापक तौर पर पाए जाते हैं। तो इस और धीरे धीरे क्या होता, हमने अभी बताया कि भाई यूरोप में ना केवल ब्रिटेन तक ही जो आपका औद्योगिकरण था सीमित रहा, ये और देशों में भी फैलने लगा। तो इस वजह से क्या है कि भाई ये देश ब्रिटेन के देशों में होड़ मच गई कि इन देशों में जो यूरोप के हैं, या इसके अलावा हम देखते हैं अफ्रीका के हैं या एशिया में, यहाँ पर जो कच्चा माल मिल रहा है उनका भरपूर लाभ कौन उठाएगा और कौन अपने आप का ज़्यादा विकास करेगा। तो इसी होड़ के कारण क्या था कि एक प्रकार से कि भैया हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बाजारों पर अपना कब्जा करेंगे, साम्राज्यवाद की भावना को इन्होंने शुरू कर दिया, देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो इसी से क्या, इनके संबंध धीरे धीरे एक दूसरे से बिगड़ते चले गए, और बिगड़ते चले जाने के कारण आगे ये भी एक कारण किस चीज़ का बनता है, ये एक कारण आपका प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार बनता है। जरा तीसरे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे आप जरूर समझेंगे क्योंकि आगे भी ये पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा मदद में आएगा। अगली बात आती है आपकी गुप्त संधियाँ। गुप्त संधियाँ क्या थी, देखो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो फ्रांस था, फ्रांस में क्या है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध के बाद क्या होता है, जर्मनी धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। प्रशा एक जगह का नाम है, ठीक है, उसके और जो फ्रांस है उसके बीच में जब युद्ध होता है तो भी फ्रांस समझ जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, और दूसरी तरफ वहीं जर्मनी भी अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। उस समय जो अमेरिका जो है भैया, उसने कोई भी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। वहीं जो फ्रांस था और जो जर्मनी है, इन दोनों के बीच में ही पंगा पड़ गया था और इन ये दोनों एक दूसरे को गिराना चाहते थे। देखो जो जर्मनी है वहाँ पर बिस्मार्क नाम का एक प्रधानमंत्री था और वो नेता बन गया था आगे चल के वहाँ का एक महत्वपूर्ण। और धीरे धीरे आगे चल के हम देखते हैं कि जो क्या हुआ था कि 1878 में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हुआ था और उसमें जर्मनी जीत गया, और जो फ्रांस था उसके दो प्रदेश, एक ऑलसेस और दूसरे लॉरेंस, उन प्रदेशों पे ये जो कोयला के प्रदेश थे उस पे जर्मनी का कब्जा होता है। अब फ्रांस उससे बदला लेना चाहता है कि भैया कैसे भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो जर्मनी को इस बात के बारे में पता था कि वो मुझसे कभी भी बदला ले सकता है, इसलिए जर्मनी ने क्या किया, 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक संधि कर दी जिसका नाम रख दिया इसने ट्रिपल अलायंस या त्रिगुट संधि। तो ये गुप्त संधि थी, इस संधि के बारे में ज़्यादातर देशों को नहीं पता था, ताकि जब भी इस पे हमला हो तो ये इसका जवाब दे सके। जरा आगे बात करते हैं। अब देखो आपने जर्मनी ने बनाया एक संधि, किया एक ट्रिपल अलायंस बना लिया, तो इसी के विरुद्ध में आपका जो फ्रांस हैगा वो भी क्या करता है, वो भी एक त्रिकोणीय संधि बनाता है जिसमें फ्रांस, रूस और उसके अंदर जो और उसके जैसे सर्बिया देश है, ऐसे देश बन जाते हैं, आपका ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो जाता है आगे चल के। और ये किस लिए बनता है, ताकि ये ट्रिपल इंटेंट नाम की संधि होती है, और
क्यों बनती है? ताकि जर्मनी का जो तेजी से प्रभाव जो बढ़ रहा है उसके प्रभाव को वो रोक सके। तो ये चौथा पॉइंट रहा आपके लिए। जरा पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि क्या है। पांचवें पॉइंट में आएगा सैन्यवाद। सैन्यवाद का मतलब है कि भैया हर एक देश क्या कर रहा था, अपनी सेना को बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो 19वीं शताब्दी में शुरू में ही जो नेपोलियन है उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि हम देखते हैं कि 1870 में जो प्रशा में जो युद्ध था उसको हारने के कारण क्या होता है, जो सैन्यवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब देखो हर एक देश जो होता है अपने सैनिकों को स्ट्रॉन्ग करता है। चाहे वाटरलू का युद्ध देखा हमने, प्रशा के साथ युद्ध देखा, हर एक देशों को इस बात का डर था कि भैया कल को मुझ पर हमला होगा तो कौन मेरी मदद करेगा कौन मेरी मदद नहीं करेगा। इसलिए हर एक देशों ने क्या कर दिया कि भैया अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको मजबूत बनाने के लिए हथियारों की ओर बनानी ज़्यादातर शुरू करने लग दी। इसके कारण जब हथियार ज़्यादा बन गए बढ़ गए और इसके कारण जो छोटे छोटे जो कारण भी बने इससे बड़े बड़े युद्ध आपके हो जाते हैं। जरा अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम अगले पॉइंट्स में जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये छोटे छोटे जो बढ़ रहे थे हथियार बढ़ाए जा रहे थे, इसमें जैसे जर्मनी का जो सम्राट था विलियम द्वितीय, इस जिसको केसर विलियम द्वितीय भी कहते हैं, इसने भी धीरे धीरे क्या कर दिया था कि भैया ये अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था। ब्रिटेन चाहता था कि दुनिया पर मेरा ही कब्जा रहे, इसलिए ब्रिटेन भी उसको हर तरीके से जापान जो जर्मनी है उसको गिराने के बारे में सोच रहा था। तो एक पॉइंट ये बनता है। अगला पॉइंट आता है समाचार पत्रों की नकारात्मक भूमिका। देखो समाचार, देखिए हमने अब तक देखा कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन, जो फ्रांस ब्रिटेन तो एक तरफ है और जर्मनी से इनके संबंध लगातार क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। अब इनके संबंध जो खराब हो रहे हैं, इन संबंध खराब होने के कारण जो ये मिर्च मसाला डालने का, आग में ढी घी डालने का जो काम है, ये समाचार पत्र पत्रिकाओं ने निभाया। इन्होंने छोटी छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींच कर दिखाने की कोशिश की, जो युद्ध नहीं होने चाहिए, जो बातें नहीं होनी चाहिए, उस भी बातों को उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया कि आपसी संबंध इतने ज़्यादा बेकार हो गए कि आगे चल के हम देखते हैं कि ये भी कारण एक युद्ध के लिए जिम्मेदार बनता है। अगला है इसका तत्कालीन कारण। देखिए आंसर आप इसको जरूर लिखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, बुलाएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं। देखो आगे बात करते हैं हम तत्कालीन कारण, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 28 जून जो होता है 1914 को, इसमें क्या होता है, इसको सेराजेवो कांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, तत्कालीन कारण को, सेराजेवो हत्याकांड। इसमें क्या होता है, आपका जो सर्बिया है उसका क्या होता है कि वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार होता है, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार सर्बिया, सर्बिया नाम की एक कंट्री हैगी, उसमें घूमने के लिए जाता है अपनी पतिया सोफी, अपनी पत्नी जो होती है उसकी सोफिया, उसके साथ। राजा का नाम होता है आपका आर्कड्यूक फर्डिनेंड। मैं दोबारा से एक बारी बताता हूँ कि सेराजेवो एक स्थान का नाम है जो कि सर्बिया का स्थान है, और वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ऑस्ट्रिया है उसका राजकुमार अपनी पत्नी जिसका नाम होता है सोफिया उसके साथ जाता है, और राजकुमार का नाम होता है आर्कड्यूक फर्डिनेंड, और वहाँ जाता है वो, और होटल में क्या होता है उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर देने के बाद क्या होता है कि इसमें जो ऑस्ट्रिया होता है वो कहता है कि भैया मेरे को ना जो भी हथियार हैं वो चाहिए, लेकिन जो सर्बिया होता है वो कहते हैं नहीं हम इसको सजा तो देंगे पर अपने हिसाब से, पर वो मना कर देते हैं। इससे आपस में क्या होता है, इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। संबंध बिगड़ जाने के कारण क्या होता है कि इनके आपस में युद्ध हो जाता है, और एक के बाद इन्होंने तो अपने गुट बनाए रखे थे, एक के बाद एक आपके जो जर्मनी है वो आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ जाता है, वहीं आपका ब्रिटेन फ्रांस आपकी वो सर्बिया की तरफ से, एक के बाद एक देश खींचते चले जाते हैं। इस प्रकार ये युद्ध हो जाता है। देखो निष्कर्ष इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका निष्कर्ष क्या लिखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो आप निष्कर्ष ये लिखेंगे कि प्रथम विश्वयुद्ध से पहले जो जर्मनी थी दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के बाद क्या हुआ कि जर्मनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो एक संस्था आपकी लीग ऑफ नेशन जिसे राष्ट्रसंघ कहते हैं उसका उदय हुआ, जर्मनी की जो महत्वाकांक्षा थी वो खो गई। इसके बाद अमेरिका भी एक बड़ी शक्ति के रूप में बनकर उभरता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो आपका जो सेंट्रल शक्ति यानी जो केंद्रीय राष्ट्र है वो हार जाते हैं, और मित्र राष्ट्र यानी
आपके जो आइडल शक्ति है वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस प्रकार आप ये लिखेंगे, अतः उपरोक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था क्या नहीं, और आपका आंसर ये पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हमारी आप नंबर पे सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर हमसे पूछ सकते हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई बहनों को भी भेजें। देखो इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी बनेगा जिसमें इसके हम परिणाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो परिणाम है वो परिणाम भी बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो परिणाम के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि वीडियो की जैसी अपडेट हो आपको मिल जाए। परिणाम के बारे में वैसे तो हमने डाल रखे हैं, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और भी वीडियो जो आपके लिए बनेंगी, जैसे हिस्ट्री में और भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हम एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे कवर अप करवाएंगे, ये हमारा वादा है। हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप कोई सी भी क्लास का आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।